राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना की शुरुआत की। योजना के तहत भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते और विधायक रामलाल जाट ने मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण की। स्कूटी वितरण के दौरान मेधावी छात्रा ने कहा कि स्कूटी पाकर अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलती तो हमें महंगे दाम पर पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ता। वीसी के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में 6 मेधावी छात्राओं को प्रतीकात्मक रूप से स्कूटी वितरण की गई। इस दौरान भीलवाड़ा दूध उत्पादक सहकारी संघ की ओर से सड़क सुरक्षा की पालना को ध्यान में रखते हुए इन मेधावी छात्राओं को निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि सड़क सुरक्षा की पालना हो, इसके लिए इन बच्चियों को हेलमेट दिया है। उन्होंने परिजनों से अपील की कि लड़का लड़की में भेद न करें। बालिकाओं को उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की भी प्रेरणा दी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वीसी के माध्यम से कालीबाई भील मेधावी छात्रा के अंतर्गत स्कीम के अंतर्गत आज प्रतीकात्मक रूप से 6 बालिकाओं को स्कूटी का वितरण किया गया है, जिसमें माननीय विधायक महोदय मांडल भी उपस्थित है। उनके द्वारा डेयरी के माध्यम से छात्राओं को हेलमेट भी उपलब्ध कराए हैं, ताकि सड़क सुरक्षा के संबंध में भी बच्चियों में जागरूकता आए और आम लोगों में भी जागरूकता आए, इसका भी प्रयास होगा। और बच्चियों से वार्ता भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, और अपने ज़िले में अन्य बच्चियों को पढ़ाई अच्छे से करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा इस प्रकार की योजनाओं से। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप सभी अभिभावक अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, कॉलेज में जाने दें। स्कूल शिक्षा बाद यूजुअली बंद कर दिया जाता है, तो वो नहीं करें। और लड़का लड़की समान है तो दोनों को पढ़ाएँ, तो जिससे कि बच्चियां आगे जाके अपना भविष्य बनाएगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी, जिससे उसके परिवार का कल्याण ही होगा। राजस्थान सरकार की अनूठी पहल अशोक गहलोत जी ने कालीबाई मेगावी छात्र स्कूटी वितरण योजना है। किस समय कालीबाई ने एक महिला ने लड़की ने छोटे समय से 1947 के लगभग उस समय नाम कोई नहीं, उसने जो शिक्षा के प्रति काम किया उस चीज़ को अशोक गहलोत जी ने बेखूबी निकाल कर उसके नाम पर उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए राजस्थान की तमाम बच्चियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। भीलवाड़ा में आज लगभग अभी 6 बच्चियों को प्रतीकात्मक रूप में हम दे रहे हैं, लेकिन 96 पूरे जिले की जो अच्छी बच्चियाँ अच्छे नंबर लेकर आई उस कालीबाई के नाम पे ये स्कूटी वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। आज मांडलगढ़ का भाई विवेक जी ने तुरंत ही उसी समय मांग की, तो एक हिस्ट्री के खोलने का मुख्यमंत्री ने तुरंत ही आज ही ऑर्डर जारी करने के लिए कहा है। एक बहुत अच्छा काम आज के लिए, भीलवाड़ा के लिए, बच्चियों के लिए बहुत अच्छा रहा। यहाँ की बच्चियों की मांग और उनसे जो होने वाली समस्याएँ के बारे में भी पूछा। ऐसा देखो, ये चीज़ें महंगाई के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हमेशा इस चीज़ को उठा रहे हैं, लेकिन महंगाई हर बार बढ़ती, लेकिन जिस वृद्ध स्तर पर, चाहे गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, यानी लगाम नहीं रही सरकारों की, तो इसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा, हम समय समय पर विरोध कर रहे हैं। ये चीज़ धीरे धीरे देखो, आज बच्चियों के जो सौर ऊर्जा वाली जो तुरंत बिजली देने की व्यवस्था तो सही है, लेकिन जो स्टोरेज के लिए है, इनके रख रखाव के लिए दिक्कत आती है, उसका धीरे धीरे सक्सेस हो रही है, उसमें आने वाले समय में उस चीज़ पे भी होगा। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे अशोक गहलोत जी से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप को। मैं वर्तमान में अध्ययनरत अपनी छोटी बहनों से यह आह्वान करना चाहती हूँ कि वे भी शिक्षा के उच्च क्षेत्र में आगे बढ़े और इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठाए। मुख्यमंत्री ने क्या सुझाव मांगे आपसे, अभी बात हुई तो आपसे? मुख्यमंत्री ने यह सुझाव मांगे कि आप कौन सी योजनाओं को लागू करने के लिए कहना चाहते हो, या आपको किस किस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। आज मुझे स्कूटी मिली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार, मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।